विधानसभा चुनाव में अब की बार करनाल की हॉट सीट पर कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि इस बार सीएम मनोहर लाल के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह खड़े हैं। आज त्रिलोचन सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जब से कांग्रेस ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है, तब से मनोहर लाल करनाल की गलियों में वोट मांगने के लिए निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यदि करनाल की जनता ने विधायक बनाया तो वह करनाल को रोजगार और शिक्षा का मल्टीपर्पज हब बनाएंगे। करनाल के लोग यदि सही मायने में अपने सुख दुख में साथ रहने वाले विधायक का चुनाव करें। करनाल के लोग समझदार हैं। यहाँ के लोगों ने बड़े बड़े लोगों का अहंकार तोड़ा है। करनाल के लोग मुख्यमंत्री का अहंकार भी तोड़ देंगे। वह आज कांग्रेस के मुख्य कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह करनाल के लोगों को भेदभाव और अराजकता से मुक्ति दिलवाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। जनता इस लड़ाई में उनके साथ दे। उन्होंने कहा कि करनाल को भले ही सीएम सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ हो, लेकिन इस शहर में विकास ठप हो गया है। 5 साल तक अपने विधायक से मिलने के लिए तरसता रहा है। उन्होंने कहा कि जनता में मुख्यमंत्री के प्रति रोष व्याप्त है। लोग सीएम की व्यवहार शैली से खासे नाराज हैं। सरकार का झूठा प्रचार चल रहा है। आर्थिक सुनामी की वजह से लोगों के धंधे चौपट हो गए हैं। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वह लोगों के हित में है। निश्चित ही सरकार कांग्रेस की बनेगी। सरकार बनने के बाद जो भी भाजपा राज में घोटाले हुए हैं उनकी जांच करवाई जाएगी। उन्होंने आशंका जाहिर की कि भाजपा आखिरी दिन में करनाल का माहौल खराब करेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद हम बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाएंगे, किसानों को कर्ज माफी देंगे, महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा देंगे। उन्होंने बताया कि करनाल में मेडिकल यूनिवर्सिटी का काम तेज करवाने के साथ साथ यहाँ पर हवाई अड्डे का काम भी करवाएंगे। इसके अलावा वह करनाल को राष्ट्रीय राजधानी में शामिल करवाने के बाद यहां नई परियोजनाओं को लाएंगे। इस अवसर पर जगदीप सिंह, पूर्व शहरी जिलाध्यक्ष अशोक खुराना, कांग्रेस के प्रदेश सचिव पंकज पुनिया, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सदस्य ललित बुटाना, सपना राणा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि करनाल में कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी। इसके अलावा यहां पर स्टार प्रचारक सभा करेंगे। उन्होंने बताया कि करनाल में प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा 15 को तथा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सभाएं करेंगे। इसके अलावा अन्य बड़े नेता भी करनाल आएंगे। मुकाबले में और आज करीब 9 दिन हो गए हैं। 9 दिन के अंदर मैंने पाया कि करनाल के अंदर जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, जो करनाल से एमएलए बनाए थे, लोगों में बड़े भारी रोष है। एक तो उनकी शैली के प्रति और एक जो उनके सरकार के माध्यम से विकास कार्य का जो झूठा प्रचार किया जा रहा है उसके प्रति। तीसरा, जो मंदी का दौर है, बेरोजगारी बड़ी है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, हरियाणा के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, लोग बेरोजगार हो चुके हैं। उसकी वजह से माहौल बहुत खराब है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। कल जो घोषणा पत्र लागू हुआ, उस घोषणा पत्र ने और जो भाजपा का घोषणा पत्र है उसे कई गुना आगे और बहुत बढ़िया लोगों के, गरीबों के, मजदूरों के, मेरी बहनों के, बेटियों के, किसानों के, दुकानदारों के हक में है। जो मैनिफेस्टो कल आया, वाकई सरकार बनेगी तो जब उस पर काम होगा तो बड़ा हरियाणा के लोगों में एक खुशी का माहौल रहेगा। आखिरी जो 2 दिन हैं चुनाव में, बीजेपी के कुछ लोग कई तरह के हथकंडे अपनाएंगे जिससे मेरा जो चुनाव है वो प्रभावित हो। मैं मनोहर खट्टर जी से अपील करता हूं कि आप जो लोगों को बताते हो आपकी साफ सुथरी छवि है, इस इलेक्शन के दौरान पता लग जाएगी भाई क्या आप ईमानदारी से इलेक्शन लड़ते हो या सब माप दंड भेद अपना कर करनाल के लोगों से रिश्ते बिगाड़ कर करनाल का शांतमय माहौल को खराब करके चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे, या जो
आपका चेहरा है जो आप अपने बारे में कहते हो उसके सिर पे लड़ोगे। दूसरा, मैं भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं सारे करनाल से हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दुख सुख के साथी हैं, हम राजनीति के अलावा सोशल हैं। मैं उनके आगे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया चुनाव आए और चले जाएंगे, हमने यहीं रहना है, कोई ऐसी भाषा का या ऐसा कोई कार्यक्रम ना करना जिससे करनाल का माहौल ख़राब हो और आपका और हमारा जो भाईचारा है वो ख़राब करने की कोशिश की जाए। और तीसरा, जो मैनिफेस्टो आपने पढ़ लिया है उसके ऊपर अगर कोई बात आप करना चाहो तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। शैलजा जी 15 तारीख को यहाँ करनाल आ रही हैं, उनका कार्यक्रम अभी थोड़ी देर में तय हो जाएगा। हुड्डा साहब भी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी का रोड शो का भी सुना जा रहा, भी होने जा रहा है। ये तीन जो बहुत बड़े प्रोग्राम हैं वो इनके अमित शाह, नरेंद्र मोदी या उससे भी ज़्यादा जो लोग हैं उससे भी हावी रहेगा हमारा प्रोग्राम, और जल्दी ही लिस्ट डाल दी जाएगी, आपको तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कब तक एक्सपेक्टेड है प्रियंका जी का? 16 या 17 को हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि कल ऑब्जर्वर आए थे, वो मेरे से रूट और डेट के बारे में पूछ के गए थे भी क्या रखोगे रूट और क्या डेट रखोगे। मैंने उनको कहा जब वो पूरा दिन देते हैं तो क्यों नहीं सारा जीटी रोड बेल्ट ही निकाल दी जाए, क्योंकि बाकी साथी भी सारे कवर कर सकें। तो मैं एक बार फिर, इससे पहले कि आप कोई सवाल करें, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि करनाल में पीसफुल माहौल बना रहे, कि आप सरकारी पक्ष ना देखकर न्यूट्रल रहें, सरकारें बदलती देर नहीं लगती। आज आप उनके साथ हो, कल को हमारे साथ भी आपको रहना पड़ेगा। हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया प्रशासनिक अधिकारियों का, और मैं चाहूँगा कि वो सत्ता का जो मोहरा है ना बने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, जो वो बार बार नारा दे रहे हैं, पहले कह रहे थे 75,000 से ऊपर निकलेंगे, फिर कह रहे 1,00,000 से ऊपर निकले, कह रहे 1,25,000 से ऊपर निकलेंगे, क्या उन्होंने वोटों की गिनती वोट डालने से पहले कर ली है? क्या करनाल के वोटों की उनको कोई अहमियत नहीं है? भी उन्होंने कह दिया हम वोट मिले ना मिले हम तो 1,25,000 लेंगे, लेंगे कैसे लेंगे? इससे साफ नज़र आता है कि उन्होंने कोई टारगेट फिक्स किया है जिसको वो मेच्योर करने के लिए कोई ना कोई हथकंडा अपनाएंगे। करनाल के 90% जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो स्लम बस्तियों में रहते हैं, जो संघर्ष करना जानते हैं, उनको ये प्रभावित करने की अगर कोशिश करेंगे तो वो लोग ही, हम नहीं, वो लोग ही मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, कल के मेरे को पता लगा यहाँ कोई नदी गांव है गोगड़ीपुर के पास, वहाँ भी जब इन्होंने धक्का करने की कोशिश की कि वहाँ के लोगों के साथ झगड़ा हुआ इनके कैंडिडेट का, जो असंत से कैंडिडेट हैं, तो अगर यहाँ धक्का करने की कोशिश करेंगे, राजा करण की धरती है, यहाँ प्यार से तो काम किया जा सकता है। यहाँ करनाल के जो लोग हैं वो सारी बात समझते हैं, किसको वोट देनी है, कैसे देनी है। ज़बरदस्ती अगर कोशिश की करने की जाएगी तो गरीब जनता जो है सड़कों पर आ जाएगी और डट कर इनका। लेकिन भाजपा का ये कहना है कि हमेशा रहे हैं, कांग्रेस ने पीछे वो आए थे, अभी हमारी सपोर्ट की जाए तो नेचुरली, जब हमारा पार्टी में कोई कैंडिडेट नहीं था हमने उनकी सपोर्ट की थी। दूसरा बात, वो वोट हारा टाइम अपने साथ बांध के नहीं चलते थे, कि 50,000 वोट जो उनको मिली उनके साथ चलती थी वो ले कर चले गए, वो तो विरोध की वोट थी, वो आज भी वहीं खड़ी है। अगर वो चले गए कोई नहीं, हमारे भाई है। हाँ, मराठा ने भी कल रेजिग्नेशन भेजा अपना और बड़ा पैसा। देखिए, हर आदमी की अपनी लालसा होती है, मैं 82 से लेकर अब तक मैंने वोट की मांग नहीं की टिकट की, लेकिन आज की उम्र मिली, अगर एक जगह टिका वो पत्थर भी भरा होता है, जगह जगह जाने से लुटकने से नुकसान ही होता हुआ है। तो वो भी अलग अलग पार्टियों में रहे हैं, फर्क पड़ेगा? मैं नहीं मानता, लोग बड़े सियाने हो चुके हैं भाई, एक कोई ठेकेदार बनकर अगर अपनी बरादरी का ठेका दे दे किसी को, तो ठेकेदारी प्रथा के लोग खिलाफ हैं, ठेकेदारी प्रथा चलने वाली नहीं है।
इसलिए लोग नहीं समझे, सब लोग उनकी मदद करेंगे, जो वो कहेंगे वो ही होगा, ये नहीं होगा। सुरेश भारद्वाज जी आए हैं, ये नहीं होगा। लोग एक जगह चलेंगे, अपनी मर्जी से चलेंगे। लोगों को, करनाल के लोगों को ना तो खरीदा जा सकता है, ना उनको बेचा जा सकता है। अगर कोई बेचने का प्रयास करेगा वो राजनीति से ख़त्म हो जाएगा, अगर जो खरीदने का प्रयास करेगा वो हमेशा के लिए राजनीति से बाहर हो जाएगा। भाजपा का कहना है कि विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ये कितनी सच्चाई है इस बात? विपक्ष पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, लेकिन कांग्रेस उनके सामने जिंदा है। इनेलो का कोई कैंडिडेट नहीं है, जजपा का कोई कैंडिडेट नहीं है, वो बाहर से आया है, फौजी है, मैं उसको सलूट करता हूँ, वो बाहर से आया है। और कोई पार्टी का कैंडिडेट नहीं, विपक्ष उनको कहते हैं, वो मेरे हमारे लिए नहीं कहते, कांग्रेस के लिए वो मानते हैं टक्कर है। अगर मनोहर लाल खट्टर जी जब पहले दिन नॉमिनेशन फार्म भर के यहाँ वर्करों के हवाले करके चले गए थे, अब उनको क्या जरूरत है रोज करनाल में आके चाय पीने की, क्या जरूरत है? अगर उन्होंने इतने विकास कार्य किए होते तो उनको क्या जरूरत थी लोगों को कांग्रेस ज्वाइन, अपने पार्टी ज्वाइन कराने की या उनके घरों में जाने की? वर्कर संभाल लेते। उनको नज़र आया है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह उनके मुकाबले में है, वो डट के मुकाबला करेंगे, जीत हर बात की बात है, ऐसा मुकाबला करेंगे कि मनोहर लाल खट्टर जी भी समझेंगे हाँ मुकाबले में कांग्रेस पार्टी है। त्रिलोचन जी, आपको भी भाजपा की तरफ से कोई बिठाने का या समर्थन उनके पक्ष में रहने का कोई दबाव आया हो? देखिए, दबाव तो त्रिलोचन सिंह कभी माना नहीं। हाँ, दबाव आया था, ये कोई बात है, 16 या 18 दिसंबर 2014 की, जब मेरे को मिनोरिटी कमीशन से हटाया गया था और खट्टर साहब ने मेरे को कहा था अब हम आपको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उसके लिए राकेश गुप्ता जी जो IAS हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई थी मेरे से बात करने के लिए। उन्होंने कहा था कि CM साहब चाहते हैं BJP ज्वाइन कर लो, हम आपको कंटिन्यू रखेंगे। मैं कहा मैं बिकूँगा नहीं, हो सकता मैं कंटिन्यू रहते रहते मेरे को आपकी पार्टी अच्छी लगे, मैं ज्वाइन कर सकता। उस टाइम दबाव आया था, उसके बाद कभी उनका दबाव डालने की कोशिश ही नहीं की, ना कर सकते वो, क्योंकि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और ईमानदारी से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। वो प्रभावित करने के लिए अगर कोई ऐसी बातें फैला रहे हैं तो प्रभावित करने के लिए है, ना तो मेरे साथी बिकेंगे, ना कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता बिकेगा। खरीदने की कोशिश करेंगे तो उनको मुँह तोड़ जवाब देंगे लोग, भाई ये आप क्या करें, उनका नुकसान होगा। अगर उनको 50,000 वोट मिलनी है तो 35,000 मिलेंगे अगर खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर पैसे का बल प्रयोग करेंगे या पैसे का दुरुपयोग करेंगे, वो पैसा सारा करनाल से लूटा हुआ लोगों का पैसा होगा, लोगों के पास वापस जाएगा, तो कोई बात नहीं। आपके कैंपेन से मतलब मैडम सीता सिंह मिसिंग है, उनके हस्बैंड है, मतलब शी इज नॉट से इन योर कैंपेन, क्या रीज़न? देखिए, कुछ मजबूरियाँ कई बार ऐसी होती हैं कि दिल से चाहते हुए भी आदमी नहीं रह सकता। मैंने कांग्रेस में हमेशा राजनीति की, लेकिन पिछले चुनाव में मैं करनाल में नहीं था, मैं बाहर था, तो हो सकता बहन जी की ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह वो नहीं है। उनके स्टाफ यहाँ है, दीप जी मेरे साथ पहले दिन से लेकर आखिर तक मेरे साथ हैं, सारी मदद करते हैं, हर जगह काम कर रहे हैं, पहले भी काम करते थे। एक दो मेंबर हैं, दो में से अगर एक नहीं आ सका तो दूसरा मेंबर मेरा काम चला। वो कुछ हमारी फैमिली के सर्कमस्टांसेस हैं, वो फैमिली में आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, है नहीं। अगर करनाल में होती तो बिल्कुल त्रिलोचन सिंह हमारा कैंडिडेट भी है और भाई भी है, हम तन मन धन से इनके साथ हैं बिल्कुल। और मैडम भी पूरी अपनी जो वहाँ से फ़ोन पे कर सकती है वो पूरा जोर लगा रही है। त्रिलोचन जी, पार्टी के और भी कार्यकर्ता हैं, सुरेंद्र नरवाल और भी है, वो भी दूरियाँ बनाए बैठे। देखिए, दूरी ये नहीं, आप कोई भी उनका सर करनाल से ही है, असंद उनका हल्का है, वो असंद से टिकट मांगते थे, वो असंद में मदद कर रहे हैं, दूसरे साथी केंद्रीय में मदद कर रहे हैं, कोई कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में MP का तो है नहीं, ये असेंबली का चुनाव है, जहाँ जहाँ जिसका वोट बैंक ज़्यादा है वो वहाँ जाके काम कर रहा है। सुरेंद्र नरवाल आए बैठे, उन्होंने लिस्टें दी। हमारा सिस्टम जो है, हम हर टाइम सड़कों में घूमते रहे या हर टाइम सारी जफ़ी डाल के भाई भाई इकट्ठे घूमते रहे दिखाने के लिए, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। ओवरऑल इस समय क्या पोजीशन समझते हैं, कितने पोजीशन पे आप खड़े हैं, क्या समझते हैं? देखिए, हमारे को जो सहयोग मिल रहा है, अगर मैं आज कह दूंगा हम जीत रहे हैं तो BJP वाले और ज़्यादा हमारे कुछ लोग हैं, कोई डिपू वाले हैं जिनको ये ज्वाइन करा लेते हैं, दबाव डालते हैं, ऐसे दबाव डालेंगे। अभी हम बराबर में हैं, रेस चल रही है, आखिरी राउंड पे आगे कौन निकलेगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम बराबर में चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता आज कहीं ना कहीं रेखा गुर्जर की बात करते हैं, वो भी कांग्रेस से हट चुकी है, अशोक तंवर की बात करते हैं वो भी, ऐसा ये क्यों हो रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है उसके बाद? देखिए,
सबसे जो नज़दीक थे उनके, आपने सप्रेस वाले जानते हो, पंकज पुनिया थे जो सारा उनका काम संभालते थे, वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। रणधीर सुरजेवाला का जो काम संभालते थे वो नार सिंह संधू यहाँ रोज आते हैं, रोज काम संभालते हैं। कभी अरविंद शर्मा जी का काम संभालते थे वो सुरेश भारद्वाज जी बैठे हैं, ठीक है जी। ललित बटाणा जी तो चलो हमारे हुड्डा साहब के साथ ही रहे हैं, शैलजा जी के साथ ही, महेंद्रू जी उनके भाई बने हुए हैं, ये बैठे हुए हैं। हर आदमी हर जगह नहीं पहुंच पाएगा, सारे अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, लिस्ट जारी हैं, काम हो रहा है। अरविंद मान जो आपके बीच में से है उन्होंने दफ्तर संभाला हुआ है। अब सारे लोग हम एक जगह टिक के बैठ जाएंगे फ़ोटो खिंचाने के लिए काम नहीं चलेगा, हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा और मैं परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ कि यहाँ करनाल बड़ा पीसफुल रहे, हम भाई भाई हैं, लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई दंगा फसाद ना हो, कोई ये वो ऊंचे हथकंडे ना बनाए सरकार, और करनाल का जो माहौल है पीसफुल आगे बना रहे। जो पार्टी करती है पहले नंबर तो वो होता है जो हर हर घर में जब पहुँचता है। दूसरा विकास कार्यों की बात होती है, बहन सुमिता सिंह जी MLA थे, हर चौपाल पे, हर गली में, हर मोहल्ले में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करोड़ों रुपया दिया जो लगा। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज आपके सामने है, इसके लिए हमने संघर्ष किया, मेरे साथी जानते हैं, मैं दो बार अंदर भी रहा, बहन सुमिता सिंह जी अंदर रहे, हमारे पे मुकदमे भी चले, और ये उसकी देन है जो 700 करोड़ रुपया आया। लेकिन ये तो बताएं BNCR में आने के बाद कांग्रेस लेके इन्होंने क्या किया, इन्होंने कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन लगाया भी जिसकी वजह से बेरोजगारों को काम मिला हो। नगर निगम की बिल्डिंग बनाई गई, 5 साल के अंदर वो बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं, क्यों? कि वहाँ बिल्डिंग ठीक नहीं बनी। भ्रष्टाचार तो वहाँ हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं। इतना बड़ा आटा घोटाला हुआ करनाल में, कोई इंक्वायरी नहीं। इनकी एक मेंबर पैसे लेके नौकरियों के चक्कर में अंदर है, उसका नाम है वो अंदर है, कोई इंक्वायरी नहीं। इनका MLA कबीरपंथी की वायरल हुई है कि कल्पना चावला में नौकरी करनी, 50,000-70,000 रुपया दो नौकरी ले लो, कोई वो नहीं है। अनाज मंडी के अंदर हाहाकार मची हुई है, आप जब मर्जी चले जाओ। किसान इतना दुखी है कि वो रोने, उनकी आंखों में इतने आंसू हैं कि यकीन मानो आप अकेले बैठे बात करो आपको पता लग जाएगा, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही। RTO ऑफिस में जितना भ्रष्टाचार है उनको मालूम है, रिकॉर्डिंग होती है, लीक होती है, कोई नहीं। इसमें एक्साइज महकमे में जो भ्रष्टाचार होता है कोई इंक्वायरी नहीं। ITI के छात्रों पे लाठियां चली, एक लड़का मर गया, एक भी आदमी उसके घर अफसोस करने नहीं गया, और उनके लड़कियों पे, बच्चों पे, बहनों पे, छोटी छोटी बच्चियों पे लाठीचार्ज किया गया। और CM साहब ने घोषणा की भी एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं इंक्वायरी करके इसका पर्दाफाश कर दूंगा। आज 6 महीने हो गए हैं, कुछ हुआ तो बताओ, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। जो भी इन्होंने किया करनाल में, अगर भ्रष्टाचार की आटा घोटाला हुआ उसको इन्होंने ज्वाइन कराया। हम उस पर्सनल आदमी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये फटाफट ज्वाइन करा लेते हैं, उसको भी आ जाओ, वहाँ जाके वो दूध धुले हो जाते हैं, हमारी पार्टी में रहते हैं तो वो गलत होते हैं। बताओ कौन सा ऐसा कार्य किया, 5 साल दुख सुख में शामिल होते हो तो तब बताओ। आज कार्यकर्ताओं के जफ्फी डाल रहे हैं, जब फरसा चलाते हैं तब कोई नहीं पूछता, जब सेल्फी फेंक के मारते हैं तब कोई नहीं पूछता, जब दंपतियों को बोलते हैं आपको अंदर करा दूंगा तब कोई नहीं पूछता। BJP के कार्यकर्ता कोई बात नहीं करते। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपको पता है, CM सिटी क्रेम सिटी बन चुका है, स्मार्ट सिटी का कोई नाम नहीं है। प्रायोरिटी सबसे पहले करनाल में कोई ऐसा बड़ा रोज़गार लाना चाहूँगा, हमारे लोगों को, बेरोजगारों को रोज़गार मिले। दूसरा, जितने लोगों ने करप्शन की है इनके खिलाफ इंक्वायरी करके उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। तीसरा, जो लॉ एंड ऑर्डर पिछले बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लोग शांति से जीना चाहते हैं, रोटी तो बाद में खाएंगे, वो कराएंगे। जो इन्होंने यूनिवर्सिटी की घोषणा कर तो दी, जो कुटेल में बनाएंगे वो कहाँ है, कागजों में है, वो हम पूरी कराएंगे। NCR की जो पूरी सुविधाएँ वो लाएंगे। एयरपोर्ट का जो इन्होंने कहा तो दिया हम करेंगे, कुछ नहीं किया, उसका पूरा करेंगे। लोगों को रोज़गार दवाएंगे, मान सम्मान दवाएंगे। जो ये चलान के माध्यम से 20-25 हज़ार रुपया ले रहे हैं उसको हम, अगर जो इन्होंने अगर रूल बनाया है उसका ख़त्म कराएंगे, बंद कराएंगे।
ताकि 150 पर चलान तो होता है, मैं कहता हूँ ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जरूरी है 150 रुपया। 25-25 हज़ार रुपये का चलान हुआ, ये 25-20 हज़ार की स्कूटी और 25 हज़ार रुपया चलान लोगों ने चला दिया। और करनाल का जो जितने भी काम पेंडिंग है, सबसे बड़ा ये है कि रोज़ यहाँ गैस टीचरों का मुद्दा है, उनको हुड्डा साहब ने पहले भी किया था, गैस टीचर बना के रेगुलर करने का वो रुक गया। जितने बाकी सारे क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, लोकल करनाल का कोई ऐसे मुद्दे नहीं है भी जिसको हम आज कहें और कल को पूरा करेंगे, क्योंकि सब काम हुए हुए हैं, विकास कार्यों में कोई कमी नहीं है और जो कांग्रेस ने कराई है। हाँ, मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैनिफेस्टो के बाद अगर सरकार बनती है भी, हर जो डिपो वाला है वो किसी तरह का मजबूरी में ना रहे, उसको 5,000 रुपये महीना सरकार को देना चाहिए, वो सेवा के तौर पर काम करे, वो लोगों तक राशन पहुँचाए सेवा के तौर पर, उसको सरकार अपना 5,000 रुपये महीना दे, वो ताकि पूरे रेट पर सामान ले, पूरे रेट पर बेचे, उनको खर्चा मिलना चाहिए। बाकी सारे मुद्दे उन्होंने कल मैनिफेस्टो में डाल दिए। बाकी जो किसानों की बात है वो इन्होंने कही है, किसान और आढ़तियों के बीच में जो दूरी पैदा की जा रही है, वे कभी कहते हैं पेमेंट हम सीधी डालेंगे, जो उनका भाईचारा ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है उसको हम कराएंगे, जो पेमेंट सीधी जाओ आढ़ती को मिले, आढ़ती सीधी किसान को दे, ताकि भाईचारा भी बना रहे और पता हो कितने किससे पैसे लेने हैं। ये सारी जो बातें हैं, किसानों का सबसे बड़ा शोषण हो रहा है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही, और जो मुद्दे हैं वो मैनिफेस्टो में डाले हुए हैं। रोजन जी, आपने इतनी घोषणाएं की हैं कांग्रेस के उसमें मैनिफेस्टो में, तो इतना पैसा कहां से आएगा और कैसे वो पूरी होगी घोषणाएं, बड़ी दूर की बात लग रही है। देखिए, टैक्स को अगर ढंग से इकट्ठा किया जाए, इतना ज़्यादा टैक्स है तो उसको ठीक यूज पे खर्चा किया जाए, ये नहीं कोई 50,000-31,000 करोड़ लगा के उसकी कोई मूर्ति बना दी जाए गरीब मर रहे हों, ये नहीं भाई RBI बैंक से पैसा निकला लिया लेकिन वो पैसा का कहाँ है, खर्च हो रहा कोई पता नहीं है। वो पैसा आता है अगर ढंग से लिया जाए, पैसा आएगा सरकार चलाने के लिए, सेंटर में भी पैसा आता है, उसको ठीक ढंग से यूज़ किया जाए तो घोषणाएँ पूरी हो सकती है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।